आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूं उत्तराखंड के प्रमुख क्षेत्र जसपुर के गांव पतरामपुर में। यहां वन विभाग की चौकी पर यहां पर्यावरण सुरक्षा सेवा समिति ने क्षेत्र में घूम रहे खूंखार गुलदार व चीते को पकड़ने की मांग को लेकर यहां एक दिवसीय सांकेतिक धरना दे रखा है। अब ये यहाँ ज्ञापन लेने के लिए ये पहुँचे हैं वन विभाग के वन वीट अधिकारी ये मलकी सिंह जी। तो ये धरना स्थल पर ये धरना दे रहे लोगों से ये बातचीत कर रहे हैं। विज्ञापन मांग रहे हैं हमारे इलाके में। विज्ञापन कौन से दे दो? विज्ञापन दे दो। तो ये यहाँ ये ज्ञापन इसमें ज्ञापन ही लिखा हुआ है, ठीक लिखा हुआ है, लेने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। तो सुरक्षा से समिति के पर्यावरण सुरक्षा सेवा समिति के जो पदाधिकारी हैं तो ज्ञापन को देने वाले हैं। हमारे बीच में पर्यावरण सुरक्षा समिति से जो लोग बैठे हैं, ग्रामीण हमारे बैठे हैं, सभी लोग वन वीट अधिकारी मलकेश सिंह लाडी जी ज्ञापन लेने के लिए आए हैं। डीएफओ साहब ने कहा था अभी अनिल कुमार जी आएंगे, अनिल कुमार किसी एमरजेंसी में किसी तेरहवीं पर गए हुए हैं। चलो एमरजेंसी तो किसी को भी हो सकती है, नहीं कह सकते। मैं कहना चाहूंगा कुछ बातें हम आपसे भी रखना चाह रहे हैं, क्यों आप हमारे बीच के भाई भी हैं और आप वन जंगल को भी देख रहे हैं, अधिकारी लेवल पे भी हैं आप भी। ये जो खाना पूर्ति आपका विभाग कर रहा है इसकी जवाबदेही किसकी है? ये खाना पूर्ति से अगर किसी गुलदार द्वारा किसी पर हमला हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी जवाबदेही किसकी है? इतना आतंक गुलदार में बच्चे हमारे पढ़ने नहीं जा रहे हैं, ग्रामीणों को डर सता रहा है, कोई अपना चारा बनाने नहीं जा रहा, कोई इधर नहीं कोई उधर नहीं निकल नहीं रहा, पूरा दहशत का माहौल जो बन रखा है। इसमें जिम्मेदारी हम सुबह से 10-11 बजे से साढ़े 10 बजे 11 से बैठे हुए हैं। हमारा मामला तो इतना था कि एक दिन का हम सांकेतिक धरना देंगे, केवल प्रशासन को जगाना है। आप लोग हमारे भाई हो ये भी हम जानते हैं, जितना हो रहा है आपसे उतना आप लोग कर रहे हो, हुटर तो मार ही रहे हो रोज को, शाम को ये नहीं पता लगता भी एम्बुलेंस आ गई या पुलिस आ गई, बाद में देखते हैं वन विभाग वाले आ गए जंगल का शेर पकड़ने के लिए। शेर का चारा अगर आप लोग कहोगे तो हम कलेक्शन करके आपको एक बकरा लेके दे देंगे या बकरे की टांग लेकर के दे देंगे, कुछ भी कहोगे हम आपका सहयोग करेंगे, पूरा सहयोग करेंगे। और ग्रामीणों को भी मैं ये बता देना चाहता हूं कि जब तक गुलदार पकड़ा ना जाए, ये मादा गुलदार एक नरभक्षी जानवर हो चुका है, आतंकी आक्रमण के तरीके से ये आतंक मचा रखा है। सभी लोग अपने घरों में टाइम से शाम को अंधेरे में ना निकले, कोई जरूरी हो तो अपने हिसाब से 2-4 लोग इकट्ठे, बच्चों को बाहर ना निकालें, 2-4 लोग इकट्ठे होकर के जाएं, क्योंकि अपना बचाव खुद ही करना पड़ रहा है इस समय। और हमारे बीच में अब जो वन वीट अधिकारी जो आए हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इनसे भी हम जवाबदेही लेंगे कि आप आगे की कार्रवाई क्या करेंगे और क्या आपका सहयोग रहेगा, क्योंकि आप हमारे क्षेत्र के हो, हमारे बीच के हो। तो वन वीट अधिकारी मलकी सिंह जी, जंगलात अधिकारी छपा दो नहीं जंगलात अधिकारी
रखो बकरे पब्लिक आपकी क्या है एक चीता बकरा रखना वो मेरे घर में घुस गई यार हम कहाँ थे हल्द्वा नहीं थे शायद मैंने रेंजर साहब को फोन किया क्योंकि अगर उसी समय उसे भगा दिया जाता तो कोई भी ये मुस्लिम लोग तो मार ही लेते हैं मैं कहा सर इस तरह से जो है लोड़ी घर में आ घुसी है उसके पीछे कुत्ते पड़े हुए थे और आप उसे आके देख लीजिए तो रेंजर साहब ने कहा कि यार उसे भगा दो पब्लिक क्या करेगी पब्लिक तो भगा देगी आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है ये रावत जी के लिए अरे रावत जी उस समय थे उनकी गलती है उन्होंने अपने अपने स्तर से अपनी कार्रवाई करवानी चाहिए थी अगर उसी को कोई आदमी मार लेता तो उसकी तो इस तरह लग गई होती वन्य जीव की रक्षा तो करना थोड़ा फर्ज है हाडा भी सूचना आई जी ना उधर रात को 5 मिनट पहुंचा नहीं पहुंचा आप परमिट अधिकारी है हालांकि आपके जो है DFO साहब होते हैं या रेंजर साहब होते हैं या आपके जो है दरोगा जी होते हैं तो मैं एक सवाल करना चाहता था कि एक ना गुरदीप सिंह भूर सिंह ने 3 पुलिस वालों के साथ मिलकर चीतल मारी थी गुरदीप सिंह के खिलाफ मुकदमा जो किया वो तो हो गया उनके खिलाफ मुकदमा चल गया उन पुलिस वालों को कैसे बख्शा गया जंगलात वालों ने जंग वन विभाग ने उनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं किया तो बहाल हो गए तो देखिए वनवीट अधिकारी श्री मलकीत सिंह जी ये सुरक्षा पर्यावरण सुरक्षा सेवा समिति के पदाधिकारियों व अन्य जनप्रतिनिधियों से ये ज्ञापन प्राप्त कर रहे हैं तो देखिए सुरक्षा सेवा पर्यावरण सुरक्षा सेवा समिति के पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधि ने बीट अधिकारी श्री मलकीत सिंह को ये ज्ञापन सौंपा अब मैं वार्ता करना चाहूँगा वन बीट अधिकारी मलकीत सिंह जी से जिन्हें आज यहाँ वन विभाग के अधिकारियों ने ज्ञापन लेने के लिए यहाँ अधिकृत किया है तो मलकीत सिंह जी बताइए कि ये पिछले 7 सितंबर से जो है ये गुलदार या चीता ये खूंखार ये आबादी क्षेत्र में घूम रहा है तो इसको पकड़ने के लिए अब तक वन विभाग ने क्या कार्रवाई की हमने वन विभाग की तरफ से 3 पिंजरे लगे हुए हैं कहाँ कहाँ लगे हैं पिंजरे पतरामपुर शमशान घाट में है पतरामपुर हॉस्पिटल के पास है एक तो एक निजामगढ़ में है अच्छा तो आप इसमें जो है पिंजरे के अंदर क्या लगाते हैं इसके ये शिकार इसके अंदर हम इसमें बकरी भी फिट करते हैं और कुत्ता भी फिट करते हैं अच्छा अच्छा तो क्या अब आज बकरी लगाई गई अभी तक हाँ बकरी लगाई हुई एक बकरी चोरी भी होगी अच्छा बकरी चोरी करके ले गया कोई उससे पिंजरे के अंदर से अच्छा अच्छा ये कब की बात है ये कब की घटना है 3 दिन पहले की घटना है 3 दिन पहले की घटना 3 दिन पहले जब आपने चीता गुलदार पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया था तो उसके अंदर आपने जो है ये शिकार के रूप में बकरी बांधी थी तो कोई बकरी को चोरी करके ही ले गया कोई चोरी करके निकाल के ले गया अच्छा कोई निकाल के ले गया तो अब उसके बाद फिर आपने क्या कुत्ते बंद कर रहे हैं कुत्ते अच्छा अच्छा तो कुत्ते को भी देख के लेपट एकदम उसको खाने के लिए आता है अच्छा अच्छा तो क्या वो लालच में आकर उसको पकड़ने जाता तो ये पिंजरे कौन सी तारीख से लगा रखे हैं आपने ये हमले तो ये 7 तारीख को हुआ था पहला हमला जो है 9 तारीख से ऊपर से देहरादून से परमिशन लेकर 9 तारीख को पिंजरा अच्छा 9 तारीख
तारीख से पिछड़े लगा रखे हैं। अच्छा, और इसके अलावा गश्त भी बढ़ाई गई है? हाँ, गश्त हमारी एक्स्ट्रा रेंज है फांटो, उससे भी गाड़ी बुलाई जाती है, दो गाड़ियाँ हमारी, तीन गाड़ियाँ गश्त करती हैं। अच्छा अच्छा, तो जैसे आपने कभी आबादी क्षेत्र में गश्त के दौरान चीता गुलदार को कोई देखा? नहीं देखा अभी? नहीं देखा गया, हमने देखा गया, हमने वीडियो बनाई है। वीडियो बनाई? तो ये किस क्षेत्र में देखा गया? पतरामपुर क्षेत्र में। तो ये किस समय देखा गया, शाम को या दिन? 7 बजे करीब। 7 बजे के आसपास। ये कब देखा था वन विभाग की टीम ने? 3 दिन पहले। 3 दिन पहले वन विभाग की टीम को ये मतलब गुलदार घूमता दिखाई दिया। अच्छा अच्छा, ये गुलदार है चीता है क्या है? नहीं, गुलदार है। गुलदार जो घूम रहा है, जो लोगों पर 7 सितंबर को अटैक किया था, ये गुलदार नहीं अटैक किया था? गुलदार नहीं। अच्छा अच्छा, तो देखिए बीट अधिकारी श्री मलकीत सिंह अभी ये जो खूंखार गुलदार क्षेत्र में घूम रहा है उसके संबंध में ये व्यापक जानकारी दी इन्होंने, और इन्होंने बताया कि जो गुलदार ये क्षेत्र में घूम रहा है उसको पकड़ने के लिए ये लगातार वन विभाग की टीम प्रयास कर रही है, गश्त भी बढ़ाई गई है और 3 स्थानों पर पिंजरे लगाए गए हैं, लेकिन अभी तक गुलदार उसमें नहीं फंसा है, नहीं आया है। और इन्होंने एक बहुत दिलचस्प बात ये बताई कि जो इन्होंने पिंजरा लगाया था गुलदार पकड़ने के लिए, उसके अंदर जो इन्होंने बकरी बांधी थी उसको कोई बकरी को चोरी करके ले गया। तो वन विभाग की टीम सक्रिय है, इनके अनुसार जो इन्होंने बताया उसके हिसाब से वन विभाग की टीम सक्रिय है, लगातार गुलदार को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। YouTube चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान।